नमस्कार, पेट्स गैलेक्सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ और आज का टॉपिक है कि कैसे आप एक हेल्दी पपी चूज़ करें और कैसे उसका डाइट होना चाहिए जब आप नया कोई पपी आप परचेस करके लाते हैं, किसी ब्रीडर से लाते हैं या किसी पेट शॉप से आप लाते हैं, तो कैसे उसका डाइट होना चाहिए। पहली बात तो है, डाइट से पहली बात है कि आप पपी जो है कैसा चूज़ करें। आप समझ लीजिए, एक जान ला रहे हैं घर पर अपने, एक वो लिविंग थिंग है, तो वो आपके साथ 12 से 15 साल, 17 18 साल जो है वो रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको पपी जो लाना है बिल्कुल हेल्दी लाना है। उसका तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप किसी ब्रीडर के पास जाते हैं, आपने जैसे कहीं फ़ोन पे या कहीं यूट्यूब पे आपने कहीं देखा पपीज़ आपको अच्छे लगे, आपने कॉन्टैक्ट किया, आप जहाँ से, मान लीजिए अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ के आसपास बहुत सारे ब्रीडर हैं, लखनऊ के अंदर वो काफ़ी पपीज़ सेल करते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, देखिए कोई पपी लो क्वालिटी का होगा, कोई हाई क्वालिटी का होगा, तो वो आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आप कैसा पपी लेना चाहते हैं। बात आती है क्वालिटी पे, तो देखिए दो तरह की क्वालिटीज़ आती है, पेट क्वालिटी आती है, एक शो क्वालिटी आती है। पेट क्वालिटी जो नॉर्मल घर के लिए हम लोग पालते हैं, ऐसी घर में एज अ फैमिली मेम्बर हम रखना चाहते हैं, वो भी प्योर ब्रीड होता है, ऐसा नहीं है कि वो मिक्स होता है या कुछ होता है, वो भी प्योर होता है। लेकिन उसमें जैसे एक आता है वो जो मैंने बताया शो क्वालिटी, शो क्वालिटी क्या होता है, वो क्लब ऑफ इंडिया बोल के एक ये है, डॉग्स का एक क्लब है इंडिया का, उसमें वो पपीज़ रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब वो लाइन से बिलोंग करते हैं। जैसे उसका, जैसे आप कोई पपी ले रहे हैं KCI रजिस्टर्ड, केनिन क्लब ऑफ इंडिया से, अगर वो रजिस्टर्ड पपी है तो वो पपी जो है नॉर्मल पपीज से 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये महंगा होगा, क्योंकि उसमें जो उसके फादर होंगे वो या तो चैम्पियन लाइन से होंगे, उसके दादाजी पर दादा, उनका जो लाइन चला आता है, जो जनरेशन चली आती है, वो इम्पोर्टेड लाइन से होती है, मतलब वो कहीं बाहर से कोई डॉग अगर इम्पोर्ट होता है तो उसके बच्चे होते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली चला जाता है। मैं चूज़ करने का तरीका बताता हूँ, आप कहीं भी किसी भी ब्रीडर के पास अगर जाते हैं पपी देखने, वो बहुत आजकल फ्रॉड बहुत होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको फ़ोटो कुछ और भेजेंगे, बच्चा कुछ और भेज देंगे, आप सामने जाइए, जो है आधा घंटा एक घंटे का टाइम आप ले कर जाइए, उसको देखिए सामने जाके, जहाँ पे वो बच्चे दी है, मतलब फीमेल जहाँ पे डिलीवरी देती है, जिस रूम में, डिलीवरी रूम में बच्चे होते हैं, एक वेल्पिंग एरिया होता है जहाँ पे पपीज़ जो है, जितने भी पपीज़ होते हैं वो वहीं पे माँ का दूध वगैरह पीते हैं, वहीं पे ब्रीडर उनको रखता है। आप जाइए, आप फ्रीली उनसे बात करिए, कहिए मुझे आप अपना लीटर दिखाइए, मैं पपीज़ देखना चाहता हूँ। उसके मदर फादर, आप सबसे पहले मदर फादर देखिए, मदर फादर की क्वालिटी कैसी है, ब्रीडर ने उसको साफ़ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है, कैसे वो मेंटेनेंस कर रहा है उसका, कैसे देखभाल वो रख रहा है। आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप उसके लिए जो है एक बड़ा अमाउंट अपना, आप मेहनत का पैसा आप खर्चा करेंगे, और काफ़ी अरमान होते हैं जो नए लोग जो चाहते हैं कि मैं पपी लाऊँ या कोई भी पेट लाऊँ, तो काफ़ी उसके अरमान होते हैं कि हाँ मेरे यहाँ एक पपी आएगा, मैं उसके साथ खेलूँगा। देखिए वहाँ पर उसकी मदर फादर जो है, मदर फादर अगर अवेलेबल है तब तो वेल एंड गुड, मतलब वहीं पे आपको दोनों पेरेंट्स दिख जाएंगे, और आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि पपीज़ जो आप लेने वाले वो बड़े होके कैसे बनेंगे। तो आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो हेड साइज़ वगैरह होता है, क्वालिटी, वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड आप लेते हैं, वो तो देखिए पेरेंट्स जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो डिपेंड करता है। तो आप जाके जो है पहले एनालाइज़ करिए, बच्चे जहाँ पे हैं आप जाके देखिए, स्टडी कीजिए कि कौन सा पपी सबसे ज़्यादा एक्टिव लग रहा है आपको। आप क्या करिए, ब्रीडर से बताइए कि भैया आप थोड़ा कटोरी दीजिए, दूध लाइए, मैं एक पपी को जो है मैं दूध पिला के देखना चाहता हूँ। आप फ्रीली बोलिए, आप बता बोल सकते हैं कि आपका हक है ये बोलना, उससे पूछना, आप जितना हो सके आप उससे क्वेश्चन करिए, और उसका जो है मतलब उसका फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो है सही सलाह दे। तो कटोरी सामने उसके रखिए, दूध उसके रखिए, वो जो है पपी जो है जल्दी से जल्दी उसको पी लेना चाहिए पपी। अगर वो नहीं पी रहा है, जैसे सूंघ के हट गया या नहीं पी रहा है, बैठ गया, अगर हेल्दी पपी होगा पूरा दूध पी जाएगा वो, अगर नहीं हेल्दी होगा, अनहेल्दी होगा, या कोई मान लीजिए डाइजेशन का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, उस सही से उसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो जो है आप वो पपी प्लीज़ मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिएगा। आपका कंपेनियन बनेगा जिस दिन से आप उसको लाते हैं, जब तक वो रहेगा 12-15 साल जो है उनकी एज होती है, तो आप जैसा पपी लाएंगे उसको देखिए। एक पहली बात तो बहुत लोगों को अगर नॉलेज नहीं होती है, जिसको नॉलेज नहीं होता है वो जैसे शॉप में जैसे ले लेते, जैसे मैंने गलती की थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जो मैंने गलती की थी, जो मैंने ठोकर खाया है उसी से मैंने सीखा,
मतलब एक जो है एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कोई पपी ले, मतलब एक पपी लेके आऊँगा, मतलब अच्छे से उसको रखूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, उसको अच्छे से खिलाऊँगा पिलाऊँगा। और जो होता है वही अरमान बदल जाते हैं, जैसे कोई अगर आपको चीट कर लेता है। खैर पैसों की बात नहीं है, पैसा बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब एक होता है कि किसी के आप जो है फीलिंग के साथ अगर खेल लेते हैं तो वो बहुत बड़ा मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। वो खा लेगा, उसको पता नहीं होता है छोटे में कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो आपको क्या करना है, यही कोकोनट वाटर, उसको 2 से 3 दिन जो है आपको नारियल पानी पिलाना है। और उसके बाद आपको सेरेलैक, अगर आप पपी सेरेलैक लें तब तो वेल एंड गुड। आप जाके किसी वेटनेरियन से, जैसे ही आपका पपी आ जाए आप उसको जो है वेटनेरियन, कोई अच्छा आपके एरिया में जो डॉक्टर हो, जो अच्छा डॉक्टर हो डॉग्स का। इसमें भी वेटनेरियन में भी 2 कैटेगरीज आती है, एक कैटल पे प्रैक्टिस करते हैं, एक केनाइन प्रैक्टिस करते हैं। मतलब एक होते हैं कि जो आप देखे होंगे BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री का होता है वो आपका कैटल होता है, जैसे डेयरी फार्म हो गया, उसके बाद आपका जो पोल्ट्री फार्म हो गया उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी नॉलेज होता है। लेकिन वही होता है कि वो डोज का जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि छोटे पपी को और एक गाय के बछड़े को क्या किस कैसी दवाई देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो डॉग स्पेशलिस्ट है आप उसको जाके कंसल्ट करिए, फिर वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, वो जैसा बताएगा आप उसके अनुसार चल सकते हैं। नेस्ले का जो सेरेलैक आता है, बच्चों का जो सेरेलैक आता है छोटे बच्चों का, बेबीज़ का, वो स्टेज 1 एक आता है, उसका फ्लेवर जो होता है वीट एप्पल होता है, वीट एप्पल, उसमें ज़्यादा ना चीनी होता है ना ज़्यादा, मतलब अच्छा फ्लेवर होता है वो। मैंने भी इसको अपने डॉग को मैं वही खिलाता था छोटे में। वो करीब 110 या 120 रुपये का डब्बा आता है, वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, पपी के हिसाब से, जैसे आपका छोटा पपी है, पहली बात तो मैंने पहले ही आपको जैसे बताया, आपको पपी जो है 45 दिन से नीचे का नहीं लाना है। आपको ब्रीडर जितना कहे, जितना आपको समझाए कि नहीं ठीक हो जाएगा, जो है 2-3 दिन बाद जो है सही हो जाएगा, अभी दुबला है, बाद में हेल्थ उसका सही हो जाएगा, तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके बातों में मत आइएगा। तो उसके बाद जो है सेरेलैक जो मैंने बताया आपको, उसको क्या करना है, थोड़ा सा पानी आपको छोटे कटोरी में, आपको ल्यूक वार्म वाटर हल्का गुनगुना पानी में, उसको 1 या 2 स्कूप या 3 स्कूप अकॉर्डिंग टू द पपी वो कितना खा पा रहा है। और पहली बात यह है कि उसका पेट इतना सा होता है, उसको ज़्यादा भी ना दीजिए कि बिल्कुल फूल जाए, वो गैस का प्रॉब्लम बनता है, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, डाइजेशन नहीं हो पाएगा उसका सही से। जो डाइट प्लान है उसको डिवाइड कर देना है सारा दिन के, मतलब पूरा जैसे 24 आवर्स में आपको जैसे 4, 5 या 6 जो स्टेप्स में आपको डिवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको देना है। ये बात है, आप जब सेरेलैक उसको देंगे ल्यूक वार्म वाटर में, आपने जैसे 1 या 2 स्कूप आपने मिलाया, उसको अच्छे से थोड़ा मतलब गुनगुना रहना चाहिए, एकदम ठंडा भी ना हो जाए, नहीं तो उसमें लम्स बन जाते हैं। आपको लगातार उसको चलाते रहना है और एक कटोरी में आपको उसको देना है। वो खा लेगा जैसे ही, तुरंत आपको लेके उसको भागना पड़ेगा पॉटी के लिए, क्योंकि ये सेरेलैक खाते ही बहुत जल्दी पॉटी करते हैं। अगर जैसे आपने मान लीजिए कोई केज अगर आपने ख़रीदा है, शुरुआत में मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपका छोटा पपी है तो ऑनलाइन या किसी भी पेट शॉप से आप एक जो होता है एक अच्छा मतलब अच्छे साइज़ का आप एक केज ला सकते हैं, जिसमें ट्रे होता है, नीचे एक ट्रे होता है उसमें आपने रखा, जैसे वो एक उसका ट्रेनिंग का भी पार्ट हो जाएगा, उसको मतलब वो समझ जाएगा कि ये मेरा घर है तो वो कहीं इधर उधर पॉटी नहीं करेगा। वो अगर आप उसके अंदर रखेंगे, उसमें ट्रे लगा होता है, अगर वो लूज मोशन कुछ भी मतलब जैसे वेस्ट करता है, वो जैसे टॉयलेट कर दिया पॉटी कर दिया, तो उसी ट्रे के अंदर करेगा, उसी केज के अंदर करेगा। आप धीरे धीरे उसको सिखा सकते हैं, वो समझ जाएगा कि हाँ ये मेरा जगह है, वहीं पे जाके करेगा, घर आपका गंदा नहीं होगा फिर। या आपको जो है थोड़ा टाइम, मतलब एक दिन में वो नहीं सीखेगा, जैसे आपने पपिया ले आया वो तो देखिए करेगा ही, बच्चा है छोटा उसको नहीं पता होता, वो धीरे धीरे आपको जो है समझना है उसको, उसका तरीका समझना है कैसे आप रखते हैं उसको। तो यही है कि जैसे ही आपने उसको सेरेलैक खिलाया वो तुरंत आपको लेके भागना पड़ेगा। आप उसको छत में या कहीं पे, या जैसे कहीं पे गार्डन वार्डन में आपने छोड़ दिया तो वो आप उसको 2 से 3 मिनट उसको लगता है खाना खाने के बाद वो तुरंत पॉटी कर देता है। हाँ ये एक और बात मैं भूल गया आपसे कहना, ये जब आप पपी जैसे आप अगर आप ब्रीडर से लेने जाते हैं तो वहाँ पर जैसे आपने कोई भी पपी चूज़ किया सामने, तो आप उसको दूध पिलाइए या सेरेलैक या जो वो स्टार्टर फीड खा रहा है वो आप ब्रीडर से कहिए कि भैया आप दिखाइए मुझे इसको खिला के दिखाइए। वो जैसे ही खाएगा 2 मिनट 1 मिनट बाद वो तुरंत पॉटी कर देगा। तो आप उसका स्टूल टेस्ट भी वहाँ कर सकते हैं कि वो थोड़ा हार्ड पॉटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो जैसे थोड़ा लूज मोशन टाइप का पॉटी कर रहा है या स्मेल आ रही है पॉटी से, तो वो समझ लीजिए उसमें कुछ इन्फेक्शन है पपी में, वो पपी फिर आप ना लीजिएगा। वो आपको देख के करना है, आपको बिल्कुल 100% श्योर होकर आपको लाना है घर।
मतलब वहाँ से, क्योंकि देखिए आपने उसको पेमेंट कर दिया, पपी लेके उसके दरवाजे के बाहर पैर रखा, उसका काम खत्म, आपका काम शुरू, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू। बहुत ब्रीडर होते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, कृपया जो है पशु को जानवर को देख परख के जो है तब खरीदें। तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको देख परख के खरीदना चाहिए, क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं उसका।